नैब ने आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर समाप्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारी कहानी में शहबाज शरीफ का रोल अच्छे बच्चे का है। सुप्रीम कोर्ट में आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी की दरखास्त पर समाप्त हुई। नैब के वकील नईम बुखारी ने दलाल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने बोली का जायजा लेने के लिए कमेटी बनाई, जिसने बताया कि बोली के अमले में बाज बेकायदगियां हुई। कम तरीन बोली देने वाले का ठेका कामरान कियानी के कहने पर मनसूख किया गया, क्योंकि कामरान कियानी ने फवाद हसन फवाद को रिश्वत दी। नईम बुखारी ने बताया कि 5 करोड़ से जायद रकम फवाद हसन फवाद के भाई और उनकी अहलिया के अकाउंट में गई। शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी के लिए एंटी करप्शन को केस भिजवाया, लेकिन इसका मकसद कम तरीन बोली देने वाले को हिरासा करना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आशियाना केस की सारी कहानी में शहबाज शरीफ का रोल अच्छे बच्चे का है। शहबाज शरीफ ने पहले इंक्वायरी कराई, फिर मामला एंटी करप्शन को भेजा। अभी तक लग रहा है फवाद हसन फवाद का किरदार बुरे बच्चे का है। दौरान समाअत अहम पेशरफ्त ये हुई कि नैब ने शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी की दरखास्त वापस ले ली। नैब ने वजीर आला पंजाब के अमल दरामद सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत के खिलाफ दरखास्त भी वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटाते हुए कहा कि हाईकोर्ट का शहबाज शरीफ के मुतालिक फैसला ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होगा।